यूज़ फॉर क्लिनजिंग, तो लेट मी पुट ऑन इट्स बैटरीज क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है. इसके साथ कोई डिवाइस जो है वो नहीं लग सकती, एनी यूएसबी केबल आई मीन. सो लेट्स टर्न ऑफ, इट्स नॉट वर्किंग. ओह माय गॉड, यही मुसीबत है कि जब आपको इसकी जरूरत होती है, इट्स बैटरीज आर नॉट वर्किंग. Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are we doing today. So I am again back with a beauty product, and this time it's this kind of beauty device that is 11-in-1 product, and it's really attractive. When you look at this product, it's very attractive. मतलब आप इसको देखते हैं, you really want to buy this. But I am going to share with you today's complete review and does it really worth my product or not? Because I you don't use it that much. क्यों? If you want to know, then let's start. ये इस तरह के कार्डबोर्ड से आपको मिलती है कि प्राइस कितनी है और मैंने कहां से बाय किया, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक एट दैट. एंड बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माय प्रीवियस वीडियो, एंड इट वाज रियली हार्ट वार्मिंग फॉर मी. एंड या सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, गिव मी सम टाइम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दिस लाइक बटन सो वी कैन स्टे कनेक्टेड. एंड माय नेम इज मोना इरफान एंड यू कैन कॉल मी ब्यूटीफुली ब्लेस्ड. एंड अच्छा, अब इसके साथ क्या है जी, इतने काइंड ऑफ अटैचमेंट्स मिलते हैं, ठीक है. अच्छा जी, देयर क्वाइट अ लॉट ऑफ अटैचमेंट्स. तो इसको बाहर निकालते हैं, बहुत हो गई बाहर की बातें. अच्छा जी, मैं इसके साथ ही अंदर इसकी बैटरीज रख देती हूँ क्योंकि मैं इतना यूज नहीं करती. अच्छा, अंदर से देखने पर ये इस तरह का प्लास्टिक का बॉक्स है, ठीक है. एंड व्हेन यू ओपन दिस यू हैव दिस मच अटैचमेंट्स, ठीक है. शुड आई गिव यू अ क्लोजर लुक ऑफ दिस प्रोडक्ट? आई विल शो यू. अच्छा, सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ब्रश, ठीक है. इसके साथ सॉफ्ट वाला ब्रश जो है वो ऑलरेडी इसके साथ अटैच हुआ है. दिस काइंड ऑफ ब्रश इज यूज फॉर क्लिनजिंग, तो लेट मी पुट ऑन इट्स बैटरीज क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है. इसके साथ कोई डिवाइस जो है वो नहीं लग सकती, एनी यूएसबी केबल आई मीन. सो लेट्स टर्न ऑफ, इट्स नॉट वर्किंग. ओह माय गॉड, यही मुसीबत है कि जब आपको इसकी जरूरत होती है, बैटरीज आर नॉट वर्किंग. अच्छा जी, मैं आपको ये यूज़ करके भी दिखाऊंगी आफ्टर रिमूविंग माय मेकअप. अच्छा जी, उसके साथ आपको मिलता है ये सॉफ्ट स्पंज टाइप ऑफ एप्लीकेटर. ये होता है जस्ट टू लेदर एनीथिंग, ठीक है, बेकार. उसके साथ ये आपको एक और ब्रश मिलता है, इट्स काइंड ऑफ अ डेंस ब्रश, थोड़ा सा डेंस है यानी कि हार्ड है. सो दिस काइंड ऑफ ब्रश इज वेरी गुड फॉर योर फीट एंड हैंड्स, नॉट फॉर योर फेस. अच्छा जी, उसके साथ ये एक स्क्रबर है जो मैं यूज करती रही हूँ, दैट्स व्हाई इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है. सो दिस काइंड ऑफ स्क्रब इज वेरी गुड फॉर ड्राई, ये अपने ड्राई स्किन पे यूज करना है, ऑन योर फीट एंड इन ऑन योर नकल्स और ये इस तरह की यहाँ पर क्या कहते हैं एल्बोज पे. तो आपने जस्ट इसको पुल करना है और इसको अटैच कर लेना है एंड यू जस्ट स्क्रू इट ऑन. अभी तो नहीं चल रही है, तो यू जस्ट और आपने इसको ड्राई स्किन के ऊपर आपने इसको रब करना है एंड लॉट्स ऑफ डेड स्किन विल कम आउट. ये आप गीला करके यूज नहीं करेंगे. अटैचमेंट इज वेरी गुड, दिस इज अ मसाजर, ठीक है. जैसे आप मसाज क्रीम अप्लाई करें ना, तो यू जस्ट मसाज योर स्किन अपवर्ड. अभी इसको इस तरह यूज करना है और अपनी स्किन को ऊपर की तरफ मसाज करना है. नेक्स्ट अटैचमेंट इज दिस काइंड ऑफ पिनिक स्टोन काइंड ऑफ है. ये क्या करता है, ये आपकी जो नेल्स हैं उनको स्क्रब करने के लिए भी यूज हो सकता है, या आपकी जो सॉफ्ट स्किन के को स्क्रब करने के लिए. डोंट यूज इट ऑन योर फेस, बट दिस इज एन एक्सफोलिएटर विच इज यूज फॉर योर फिंगर्स, हैंड्स, फीट भी यूज कर सकते हैं. दिस इज अ मेटल अटैचमेंट, ये स्ट्रिक्टली फॉर योर हील्स, ये आपके पाओ की जो हैवी स्किन डेड स्किन है उसको यूज करते हैं. इसके ऊपर एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर भी लगा हुआ है जिसको आपने उतार कर तो फिर आपने यूज करना है, ठीक है. इस तरह के आपको 2 मिल जाते हैं. दिस इज ऑल्सो फॉर योर हील्स, इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर जो है वो लगा हुआ है. नाउ दिस स्पंज, दिस स्पंज इज वेरी गुड. ये किस लिए यूज होता है, टू रिमूव हेयर्स. ये आप अपने हाथों पे भी इसको जब रब करते जाएंगे तो इट ऑल्सो कैन हेल्प यू रिमूव हेयर्स. ये इस तरह का पैड है जो हेयर रिमूव करने के लिए यूज होता है. इसके साथ आपको लॉट्स ऑफ अटैचमेंट्स मिलती हैं टू रिमूव हेयर्स, ठीक है. ये बेसिकली आपकी स्किन पर से हेयर रिमूव करने के लिए. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये
हार्ड काइंड ऑफ स्पंज है टू रिमूव द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए होता है. इट विल सोक एनी थिंग यू हैव पुट इट ऑन योर स्किन एंड यू जस्ट अप्लाई इट एंड इट विल जस्ट स्टार्ट रिमूविंग द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है. सो अब आई विल वेट एंड यू जस्ट आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द वीडियो क्योंकि आई विल बी बैक विद द बैटरीज एंड देन अप्लाई एंड शो यू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स अटैचमेंट्स. डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, वेट करने पर इट्स नॉट सो हैवी, बिल्कुल भी हैवी नहीं है और इट्स क्वाइट लाइट वेट. मतलब आप करने से आपका हैंड थकेगा नहीं, ठीक है. और यहाँ पर आपको ऑफ का बटन है, उसके बाद लो है एंड देन देयर इज अ हाई स्पीड जो आई थिंक सबसे प्रेफरेबल होती है. तो लो स्पीड में आपको अगर मैं चला के दिखाऊं तो ये इतनी लो है और फिर ये हाई है. देयर इज नॉट सो मच डिफरेंस बिटवीन दैम. सो अच्छा जी, उसके बाद ये वराइटीज ऑफ कलर्स में है. एज यू कैन सी फ्रॉम द पैक इतने कलर्स में है. मुझे ये इस ही कलर में आया था, इसमें बताने पर कौन सी ऐसी बात है. इसमें 2 AA बैटरीज हैं जो डलती हैं और चले जी मुंह पर अप्लाई करते हैं. और कुछ नहीं रहेगा इसके बारे में कहने में. इसकी प्राइस एंड एवरीथिंग इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, शायद मैं ये बात पहले कह चुकी हूँ. चलिए जी अब इसको मुंह पे लगा के देख लेते हैं. सबसे पहले इसका जो सबसे सॉफ्ट ब्रिसल वाला है उसको आपने कभी ड्राई नहीं यूज करना, ब्रश को आपने वेट कर लेना है. मैं यहाँ एक टोनर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं, रोज वाटर वर्क्स वेरी बेस्ट. अच्छा जी, आपने हल्के हाथ से आपने यूज करना है और ये कुछ ज्यादा ही हल्का. लेट मी जस्ट टेल यू कि कितना हल्का है ये. अब मैं इसको एक्चुअल स्पीड पे चला रही हूँ, नेवर माइंड. अच्छा जी, उसके बाद ये स्क्रबिंग वाला ब्रश है, ये थोड़ा सा डेंस होता है, इसको आपने बहुत एहतियात से यूज़ करना है और इसको भी आपने ड्राई यूज़ नहीं करना. यूज़ करने से पहले आपने इसको वी डैम कर लेना है. यहाँ पे मैं आपको इसकी स्पीड दिखा रही हूँ कि ये एक्चुअली इतना कोई फास्ट काम नहीं करता. सो आपने इसको डैम कर लेने के बाद अपनी स्किन पर बहुत लाइटली आपने इसको मूव करना है और प्रेस तो बिल्कुल नहीं करना. ये मेरी सबसे फेवरेट अटैचमेंट है, दिस इज़ द मसाजर. इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी इस प्रोडक्ट को. मैं लिटरली इसको यूज़ नहीं करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पीड. और इसी से आप हल्का हल्का अपवर्ड डायरेक्शन में आप मसाज करेंगे तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू. ये जो स्पंज है ये आपकी स्किन से प्रोडक्ट को वाइप करने के लिए यूज़ होता है. मेरी बात माने तो अपने हाथों से ही वाइप कर ले, दैट्स मच ईजियर. मूव ऑन, ये है वो पिंक सैंड जिससे आप अपने एल्बोज को, नकल्स को, नीज को खासकर आप स्क्रब आउट कर सकते हैं और आपकी स्किन पे से डेड स्किन को रिमूव करने के लिए यूज हो सकता है. स्पीड की वहाँ बात आ जाती है, स्पीड इसकी भी बहुत स्लो है. इट वर्क्स बट यू नीड टू बी वेरी पेशेंट विद दैट. मूव ऑन, ये वो मेटल है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था. नेल्स को बफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, मेरा इस वक्त एंगल इस तरह का है कि मेरी फिंगर जो है वो थोड़ी स्लिप हो रही थी, सो डोंट माइंड दैट. खासकर आप इसको अपने पाँव के टो नेल्स पर आप स्क्रब आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करके भी दिखा दिया आपको. इन द एंड इज इट रियली अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट और नॉट, इट्स रियली अप टू योर चॉइस. आई पर्सनली डोंट यूज इट दैट मच. एक तो बैटरीज बहुत लगती हैं, प्लस अब जैसे नाउ आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो ऑफ इट एंड द बैटरीज आर नॉट वर्किंग, आई एम फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ. एनी हाउ, अच्छा, इट्स वेरी स्लो, ठीक है. अगर आप वेन इट्स रोटेटिंग वेरी स्लो और थोड़ी हैवी अटैचमेंट हो जाए तो वो तो बहुत ही स्लो चलता है. तो बंदा कहता है कि इससे ज़्यादा तो मैं हाथ से जल्दी कर लूँ, दैट्स द होल पॉइंट, ठीक है. एक तो बहुत स्लो है और बट द मसाजर इज़ वेरी गुड. इफ़ यू आर वॉन्टिंग टू बाई अ गुड मसाजर दैन इट रोटेट्स इटसेल्फ और वो आपको स्लोली ही करनी होती है मसाजिंग, इट गिव्स यू अ ब्यूटिफुल मसाज. सो या और हेयर रिमूविंग वाला भी मैं कहूँगी कि इट वर्क्स बट इट्स स्लो, इट्स वेरी स्लो. इट्स सपोज टू बी फास्ट बट इट्स वेरी स्लो. व्हाई सो वेरी स्लो, आई डोंट नो. एनीहाउ, इफ यू कैन फाइंड अ मोटर दैट इज हैवी ड्यूटी और इट कैन गिव यू अ गुड कवरेज दैन you can definitely go for it. So yeah, this is my whole video. Hope you like my video. If you like, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Until then, do take very good care of yourself and the loved ones around you. I'll see you in my next video. Allah Hafiz.